दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। बच्चों में दांत पीसना, किटकिटाना या उसे हम कह सकते हैं रातों में दांत चबाना, जिसे इंग्लिश में टीथ ग्रिडिंग भी कहा जाता है, ये समस्या बच्चों में एक साल के बाद 10 साल तक रहती है। तो इसका क्या कारण है और इस पर रामबाण उपाय क्या है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि जरूर आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बच्चों में ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जब बच्चे में जर्म होते हैं, कृमि होती है, तब बच्चे इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये रात में सोने के बाद अपने दांत पीसते हैं, किटकिटाते हैं, और उसी के साथ जहाँ पे वो ये सोते हैं वहाँ पे इनके मुंह से लार टपकती है, और जो फेस रहता है वहाँ पे वाइट स्पॉट सर्कल दिखाई देते हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने स्किन को खुजाते हैं, और आप या दूसरे इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से बैक साइड को भी बहुत बार खुजाते रहते हैं। तो ये सभी लक्षण कृमि की है, वार्म की है, जंत की है। तो इसको बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप बच्चों को क्लीन रखें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। अगर आपके बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो जानेंगे हम 3 उपाय। इनमें से आप कोई भी एक उपाय कीजिएगा, तुरंत बच्चों को राहत मिलेगी। सबसे प्रभावी उपाय है आड़ू के पत्ते का रस। तो आड़ू का पत्ता इस पे बहुत ही लाभदायक है, जो कृमि को, वार्म को पूरी तरह से नष्ट करता है और शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा बनाता है। तो क्या करने का है, आड़ू के 4 या 5 पत्ते लाने के हैं, उसको अच्छी तरह से नमक के पानी में धोने के बाद उसका जूस बनाने का है। हर दिन सुबह और शाम आधा आधा चम्मच, अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम हो तो आधा चम्मच सुबह और शाम 3 दिन तक, अगर 5 साल से ऊपर है तो 1 चम्मच सुबह और शाम 3 दिन तक देने का है। जैसे ही ये जूस पेट में जाएगा, वैसे ही कृमि तुरंत मर जाएगी, जंत मर जाएंगे, और जब स्वच्छ हो जाएगा हमारा बच्चा, तो उसके स्वच्छ से आप देखेंगे ये सभी वार्म पड़े आपको दिखेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है। उसके बाद वैद्यनाथ का विडंगासव और अरविंदासव, ये दो जो सिरप है ये भी बहुत ही अच्छे हैं वार्म के लिए, जंत के लिए। तो आप विडंगासव दे सकते हैं बच्चों के लिए, इसका प्रमाण है 5 साल के उम्र के बच्चों को, 5 साल से कम, 5 ml सुबह और शाम, और 5 साल से ऊपर है तो 10 ml सुबह और शाम, ये दोनों भी दे सकते हैं। पर छोटे बच्चे के लिए विडंगासव और बड़े बुजुर्ग के लिए अरविंदासव का इस्तेमाल किया जाता है। 1 महीने तक ये औषधि देने की है, ताकि पूरी तरह से ये जर्म्स, वार्म्स नष्ट हो जाए और आपके बच्चे का इंस्टेंट टाइम पेट अच्छा रहे, वार्म फ्री रहे। उसके बाद जो घरगुती उपाय हम करेंगे, उसमें ब्लैक सॉल्ट लेने का है, काला नमक, हींग, काली मिरी और अजवाइन, ये चारों का कॉम्बिनेशन बना के हम अच्छी तरह से घर में मेडिसिन बना सकते हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े ये सभी ले सकते हैं, और बड़े भी अगर बुजुर्ग रहेंगे तो भी साल में 2 बार ये प्रयोग सभी ने करना बहुत ज़रूरी है। बड़े लोगों में भी वार्म या जंत कृमि पाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल और इसकी बनाने की विधि जानेंगे। क्या करने का है, आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट लेने का है, आधा चम्मच हींग लेने का है, 3 या 4 ब्लैक पेपर, जिसे हम काले मिरे कहते हैं, ये लेने के 3 या 4, और 2 चम्मच अजवाइन लेने का है। ये सभी मिश्रण अच्छी तरह से ग्रिंड करने का है
बारीक बनाने का है, इसको पाउडर बनाने का है। और उसके बाद आपने बच्चे के लिए जो 5 साल से कम है उसको आधा चम्मच सुबह और शाम 3 दिन तक, अगर 5 साल से ऊपर है तो 1 चम्मच सुबह और शाम 3 दिन तक लेने का है। पहले ही दिन से पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। और ये दांत चबाने की समस्या है, खुजली की समस्या है, पेट में दर्द की समस्या है, पूरी तरह से जड़ से मिट जाएगी। तो साल में 2 बार जरूर करना चाहिए सभी ने, इससे बहुत अच्छी तरह से लाभ मिलता है। तो ये ऐसा करने का है और पानी में लेने का है, पानी में डाल के गुनगुना पानी लेने का है, 1 या 2 कप, और उसमें ये डालने का है और पीने का है सुबह शाम, शाम को सोने से पहले, सुबह खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो बहुत ही रामबाण उपाय है ये, आप तीनों में से कौन सा भी एक उपाय करिएगा और इससे छुटकारा पाइएगा। तो फिर से एक बार निवेदन है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई समस्या है तो कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।